हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम लोग चावल की चकली बनाएंगे और इन चकली को हम मशीन से और बिना मशीन के किस तरीके से बना सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दें फ्रेंड्स। और इस रेसिपी को देखने के बाद में आप जो भी चकली आप बनाना चाहें वो मशीन से भी और बिना मशीन के आप कैसे भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में एक कटोरी, इस कटोरी से नाप करके मैंने एक कटोरी पानी इसमें गर्म होने के लिए रख दिया है। इस कटोरी से नाप करके हम एक कटोरी चावल का आटा लेंगे। तो कोई भी आप कटोरी या कप एक डिसाइड कर लें और उसमें उसके नाप से ही आप दोनों चीज़ें लें। जितना पानी है उतना ही हम आटा लेंगे। तो पानी में मैंने एक बड़ा चम्मच भर करके ऑयल इसमें डाला है। इससे जो हमारी चकली होंगी वो थोड़ी खस्ता बनेगी। इसके बाद में एक पिंच इसमें मैंने हींग डाला है, एक छोटा चम्मच जितना सौंफ का पाउडर डाला है, एक छोटा चम्मच जितना ही मैंने धनिया पाउडर डाला है और चौथाई छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर डाला है और चौथाई छोटा चम्मच जितना ही मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप आधा छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर ही डालें और एक छोटा चम्मच जितना मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी में हमें अच्छा एक उबाल आने देंगे। पानी में बहुत ही अच्छा बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें एक कटोरी जो चावल मैंने नाप करके लिया था, जिस कटोरी से मैंने पानी चढ़ाया था उसी कटोरी से नाप करके एक कटोरी चावल का आटा हम इसमें मिक्स कर देंगे। और चावल के आटे को पानी के साथ में हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना होगा। और थोड़ा सा कहीं से अगर ये सूखा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमें इसको ढक करके रखना है। तो हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं एक बारी और अब हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये जो आटा है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हमें बाइंड करने में आसानी होगी। तो 20 मिनट के बाद ये आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हम गूंद करके तैयार करेंगे। फिर इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी गर्म है तो हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे और जितना हम पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच पानी इसमें और ऐड किया था और उसके बाद में ये आटा गूंद करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हम गूंद लेते हैं एक बार, थोड़ा गर्म है ये। ये देखिए आटा गूंद गया है, मैंने 3 बड़े चम्मच पानी इसमें और डाला था और ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा टाइट है ये आटा। और इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ऑयल डाल करके थोड़ा और चिकना हम करेंगे। ये देखिए आटे की में से मैंने एक लोई निकाल ली है। तो अब इसमें से हम पहले बिना मशीन की चकली बनाकर देखेंगे। तो इस लोई को हमें इस तरीके से अपने हाथ से बिल्कुल लंबा लंबा पतला पतला एक डोरी जैसा बना लेना है, बिल्कुल लंबा लंबा, और जितना पतला आप कर सके उतना पतला आप करें। इसको इस तरह से बनाते हुए बीच बीच में कई बार टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोबारा से चिपका सकते हैं। और आप चाहें तो मैंने जो आटा है उसको पानी में डाल करके गर्म किया था, आटे को इस तरह से गूंदा है। आप चाहें तो डायरेक्ट गर्म पानी से आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर, चावल के आटे में बेसन मिलाकर आप इस तरह से भी इसको गूंद सकते हैं। ये आपने देखा कि मैंने इस तरह से घुमाते हुए चकली का शेप इसको दे दिया है, मैंने थोड़ा मोटा रखा है। आप चाहे तो थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं इसको। और इसी तरीके से हम बाकी की चकली भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाया है मैंने हाथ से, पहले इसको बिल्कुल लंबा किया इस तरीके से, बिल्कुल पतला लंबा हमें कर लेना है इसको, जितना भी आप कर सकें दबा दबा कर इसको बिल्कुल पतला लंबा कर ले इस तरीके से दबा कर। और फिर इसको हम गोल गोल इस तरीके से घुमा करके एक चकली की शेप देंगे। इसके बाद में हम मशीन से बनाकर देखेंगे। तो ये मैंने चकली वाली मशीन ली है, इसमें मैंने चकली वाली जो प्लेट होती है वो लगा दी है और अंदर से इसको बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा अपना डो लेंगे और उसको सिलेंडर की शेप में दे देंगे और मशीन को हम तैयार करेंगे। इसके अंदर अपना डो डाल करके इसको हम तैयार करेंगे मशीन को। डो को हम अच्छी तरह से भर लेंगे और ऊपर से इसको बंद करके ये देखिए इस तरीके से हम अपनी चकली बनाकर तैयार करेंगे। मशीन से बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जिसके पास मशीन नहीं है वो भी चकली बना सकता है जिस तरीके से मैंने पहले बनाया था।
दोनों के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है फ्रेंड्स। सारी चकलियां हमने बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, तो जो ऑयल होता है वो हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, यानी मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। देखिए हमने थोड़ा सा आटा डाला है और जो आटा है वो एकदम से ऊपर आ गया है, यानी कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म है। इतना ही हमें ऑयल गर्म चाहिए मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसमें चकलियाँ डाल देंगे, जितनी चकलियाँ एक बार में आ सके, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें तल करके तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएंगी उसके बाद ये झाग जो आपको दिख रहे हैं ऊपर से, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये नीचे जाकर बैठ जाएंगी जो हमारी चकलियाँ हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि चकलियाँ फ्राई होकर के तैयार हो गई हैं। जब ये थोड़ा सा नीचे से सीख जाएंगी उसके बाद हम इनको पलट देंगे। पहले ही अगर हम पलटेंगे तो ये टूट सकती हैं, तो ये हल्की सी नीचे से सीख गई हैं, तो मैंने इनको पलट दिया है। और पलटने के बाद में अब हम इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, और जब तक कि झाग खत्म नहीं हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, झाग बिल्कुल खत्म हो गए हैं, चकलियां नीचे जाकर बैठ गई हैं, यानी चकलियां बन करके तैयार हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, और सेम इसी तरीके से हम बाकी की जो चकलियां हैं वो भी फ्राई करके तैयार करेंगे, जो मशीन वाली हैं और जो हाथ वाली हैं, वो तो सारी चकलियां हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो चावल के आटे और बेसन की चकलियां बना सकते हैं, गेहूं के आटे की भी चकली इसी तरह से बना सकते हैं, मैदा की चकली भी बना सकते हैं। हमारी सारी चकलियां बनकर के तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। ये मशीन से बनाई है मैंने सारी, और ये वाली हाथ से बनाई है। सिर्फ शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इनके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, देखने में बिल्कुल एक जैसी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से बनाइए, मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।